ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन पटियाला आपकी फिल्म आने वाली है, कितने एक्साइटेड है, फर्स्ट फिल्म है और कितनी मेहनत की है, क्या प्रिपरेशन से गुजरे? जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसका रीज़न ये है कि अफकोर्स मैडॉक की पिक्चर है और दिलजीत पाजी है, वरुण पाजी है साथ में, और उनके साथ तो एक कॉम्बिनेशन में तो यू नो इट्स वेरी ह्यूमरस, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ओके मिस्टर इंडिया यूनिवर्स के बाद क्या आपने सोचा था कि मतलब इस तरह का ब्रेक मिलेगा, क्योंकि वरुण भी है और बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, दिलजीत पाजी है फिल्म में? जी जी मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, बट लेकिन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि ऊपर वाला मेहरबान तो बंदा पहलवान, तो वही हुआ मेरे साथ। जैसे मिस्टर इंडिया यूनिवर्स से मैं मिस्टर यूनिवर्स से वापसी आया तो दो बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस ने विद द स्टार्स दे अप्रोच मी फॉर अ मूवी व्हिच इज वेरी गुड। ओके क्या रिएक्शन था जब पहली बार आपको मूवी ऑफर की गई और क्या मतलब सोचा आपने, मतलब क्या सोच रहे थे कि क्या किरदार लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर किसी का सजेशन लिया आपने इसके बारे में? जी जब मेरे को अप्रोच हुआ था देन आई मेट द डायरेक्टर रोहित जी से मैं मिला और फिर मेरे को उन्होंने बताया कि दिलजीत पाजी है, वरुण पाजी है, तो मैंने कहा डेफिनेटली एंड ऑफ कोर्स मैडो के साथ में तो मूवी विल गोइंग टू बी अ ब्लास्ट यू नो। तो बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के, और फिर उन्होंने बताया कि नेगेटिव है, ग्रे शेड है, एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्ले नेगेटिव, क्योंकि जो पास्ट मैंने जो शो टी वी शो करता था उसमें मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर था, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू नेगेटिव। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार डेफिनेटली कॉम्बिनेशन अच्छा है, प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आई शुड गो फॉर इट। ओके क्या डिफरेंस महसूस करते हैं छोटे पर्दे में और बड़े पर्दे में? आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं है तो सिर्फ लोगों ने बनाया वो, लेकिन मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा क्योंकि मैंने तीन साल टी वी शो किया। और हाँ सिर्फ ये है कि आपका टी वी शो तीन साल आपका रेगुलर चलता रहता है और आपको पता है कि आपको एक ही किरदार आप तीन साल से कर रहे हो, और लेकिन मूवीज में ये होता है कि एक मूवी ख़त्म तो आपको ठीक है, आपको वहाँ से बाहर आना है, फिर आप दूसरे कैरेक्टर में आपने जाना, और बट अदरवाइज आई थिंक कोई उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी बातें फिल्म के बारे में हो गई है, हमारी ऑडियंस को थोड़ा किरदार के बारे में बता दीजिए कि नेगेटिव किरदार तो है ही, लेकिन ये किरदार का नाम क्या है, क्या करता है? तो मेरा जो किरदार है उसका नाम है बलदेव राणा, और गून है एक ग्रे शेड, एक बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है उसकी, तो आसपास जितने भी लोग हैं उससे, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इवन इंक्लूडिंग द कॉप्स ऑल्सो, जो पुलिस वाले भी हैं वो भी बहुत डरते हैं, उसके पास कोई जाता नहीं है, तो बहुत खौफनाक मेरा उसमें जो है इमेज है। और जो बाकी जितने भी किरदार हैं वो सारे कॉमेडियंस हैं, जो और जो विलन्स हैं वो सारे कॉमेडियंस हैं, बट मेरा किरदार ऐसा जो कि बिल्कुल बिल्कुल सीरियस है, तो आप जब स्क्रीन पर देखोगे तो आप बोलोगे यार ये आया स्क्रीन पर, अब तो गया, इसके सामने जो भी आया वो गया। राइट और अगर डायरेक्टर साहब रोहित जी की बात करें, क्या ब्रीफ था उनका आपके लिए, मतलब आपके किरदार को प्रिपेयर करवाने के लिए क्या ब्रीफ दिया जी? जो मुझे याद भी याद है कि जब मेरा पहला दिन था तो रोहित जी मेरी वैन में आए, तो विच वॉज वेरी नाइस, तो उन्हें बोला कि मुझे यू नो आई वॉन्ट टू प्रिपेयर द सीन विद यू, तो मैंने बोला, मैंने कहा डेफिनेटली आई वुड लव टू। तो जब आप रोहित जी के साथ सेट पे होते हो, ही डजेंट, आई मीन आपको लगता नहीं है कि आप एक डायरेक्टर के साथ हो, आपको लगता है कि ही इज़ योर फ्रेंड, आप किसी फ्रेंड के साथ बैठे हो, आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं। तो उनके साथ मैंने रीडिंग्स करी, फिर उन्हें बोला कि आप यार मुझे ये नहीं ये चाहिए ऐसा चाहिए, तो देन ऑटोमेटिकली अ पर्सन बिकम्स वेरी कंफर्टेबल, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आप फ्राइडे को दिख जाएगा। और काफी दिग्गज कलाकार भी है इसमें, दिलजीत पाजी है, वरुण शर्मा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा इन सबके साथ काम करने का और ऑन सेट कैसा माहौल है? एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा है जो कि पूरी थ्रू आउट द फिल्म बहुत सीरियस है और जो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे फनी हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे अपने कैरेक्टर में रहना था, लेकिन अब दिलजीत पाजी और वरुण पाजी कैरेक्टर में आपको रहने ही देंगे क्योंकि आप वहाँ पे हंसी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ वो खड़े हैं आप इतना हंसोगे कि ऑफ कैमरा भी बहुत हंसोगे आप, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन बहुत मज़ा आया। आपसे और एक चीज जानना चाहूंगा कि लोगों को हंसाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, और जो है आपका जो किरदार है वो उससे अलग है जी, तो क्या इन फ्यूचर हम आपको कॉमेडी करते हुए भी देखेंगे या फिर ऐसा कोई फनी किरदार में देखेंगे? जी डेफिनेटली, आई थिंक प्रॉब्ली यू नो अब मेरा जो कद है, आई एम ऑलमोस्ट लाइक 6'4" एंड आई एम अ बिग गाय, तो मेरे जैसा इंसान अगर कॉमेडी करते हुए आप देखोगे तो वो देखते ही छूट जाएगी, तो मुझे बहुत मजा आता है कॉमेडी करने में,
विच जितने मेरे दोस्त हैं वो एक्सपेक्ट करते नहीं है कि यार ये कॉमेडी करेगा, यू नो आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये बहुत स्ट्रिक्ट लड़का है, लेकिन जब मैं जैसे थोड़ी बहुत कॉमेडी शुरू करता हूँ तो दे बिकम वेरी सरप्राइज कि यार ये क्या है, तो बहुत मज़ा आता है मुझे कॉमेडी करने में। और लेकिन इफ़ यू आर एन एक्टर तो आप एक एक्टर का मतलब ये होता है कि आप यू कैन प्ले अराउंड विद डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, सो रियली डजेंट मैटर वेदर एक कॉमेडी है या फिर एक हॉरर है या इमोशनल है ड्रामा है, इफ द स्क्रिप्ट इज गुड स्टार्स आर गुड प्रोडक्शन हाउस इज गुड डेफिनेटली। राइट, मिस्टर इंडिया करने के बाद आपने लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाया, तो उसके बाद क्या एक्टिंग सोचा था आपने या फिर कुछ और करने के लिए सोचा था? अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होता? अगर एक्टर नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी इन टू स्पोर्ट्स, मैंने स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेलता था, लेकिन उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अब तो आप IPL आ गया, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, लेकिन उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। लेकिन एक होता है ना कि एक्टिंग का कीड़ा, तो वो तो बचपन से ही था, और अमिताभ जी और ऑफकोर्स सलमान की मूवी देख देख के मैं बड़ा हुआ। अब मुझे आज भी याद है, मैं सलमान की मूवी देख रहा था, उसमें गाना आया ओ जाने जाना वाला, तो मैंने कहा यार बॉडी बनानी है, तो वहीं से मुझे थोड़ा जुनून चढ़ा, जोश चढ़ा कि यार चलो यार बॉडी बनाते हैं। आपकी फिल्म भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, अर्जुन पटियाला, तो क्या मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए, क्यों उनको देखनी चाहिए? देखिए मूवी में दिलजीत पाजी है, ऑफकोर्स वरुण है, वरुण का मुझे आज स्टिल रिमेम्बर के आई वॉज इन द फ्लाइट और मैं उसकी फुकरे मूवी देख रहा था, मैंने कहा दिस गाय इज अमेजिंग, लाइक उसकी जो कॉमेडी टाइमिंग है इट्स इट्स फैबुलस। तो और जब मुझे पता चला कि मुझे वरुण के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, मैंने कहा मज़ा आएगा सेट पे, तो ऑफकोर्स दिलजीत पाजी इज देयर और वरुण पाजी इज देयर एंड मैं तो हूँ ही। काफी सारे स्ट्रगल करके आप आए इंडस्ट्री में। जी लास्टली आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि नेपोटिज्म क्या एग्जिस्ट करता है और क्या आपने फेस किया है, क्योंकि मिस्टर इंडिया से लेकर एक्टिंग की जर्नी तक काफी लंबा सफर सफर जी तय किया आपने यहाँ तक आने के लिए, जी तो क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया है मॉडलिंग के दिनों में या फिर देखिए कुछ? मैं किसी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी या किसी बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन मैं एक तरफ ये भी सोचता हूँ कि जो कि बॉलीवुड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको प्रूव करना होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स स्टार्स हैं सुपर स्टार्स रह चुके हैं, तो उनको प्रूव करना होता है कि यार बेटे भी सुपर स्टार्स रहेंगे। तो एक क्या होता है, अगर आप एक बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग करते हो आपको एक पुश मिल जाता है, आपके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स बने होते हैं, आपको उसको रिवाइव करके आपको उसको प्रूव करना है, तो दैट्स आई थिंक दैट्स इवन मोर डिफिकल्ट। और अगर आप एक न्यू कमर हो ठीक है, न्यू कमर इज ऑल्सो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन, बट लेकिन एक हमारे पास प्रूव करने के लिए इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि जितनी एक स्टार्स के बेटों की होती है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो सुपर स्टार्स रह चुके हैं, तो आई थिंक इट्स प्रॉब्ली इक्वल। अच्छा, अर्जुन पटियाला के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट से थोड़ा सा अगर हमारे ऑडियंस को बता? जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो निखिल अडवाणी प्रोडक्शंस के साथ है, मिलाप जावेद जी इज़ द डायरेक्टर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड रितेश देशमुख के साथ काम करने का मौका मिला, विच इज़ अमेजिंग, आई एम बिग फैन ऑफ रितेश देशमुख, सो दैट विल बी प्रॉब्ली रिलीजिंग इन अक्टूबर, विच इज़ कॉल्ड मरजावा, तो आप मुझे उसमें देखेंगे अगेन इन द नेगेटिव शेड। ओके, थैंक यू सो मच थैंक एंड ऑल यू द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू।